दोस्तों नेटफ्लिक्स पर आज एक हिस्टोरिक एक्शन ड्रामा मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है ब्लड एंड गोल्ड। ये एक जर्मन फिल्म है जिसको हिंदी में भी रिलीज किया गया है। मैंने ये फिल्म अभी अभी देख ली है, तो आइए जानते हैं कि ये मूवी कैसी है और क्या ये मूवी आपका टाइम डिजर्व करती है या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोरी की। तो इस फिल्म में कहानी है साल 1945 की, जहां पर वर्ल्ड वॉर टू बस खत्म होने की कगार पे है और जर्मन आर्मी की एक टुकड़ी है जिनको खोज है पुराने गोल्ड की, जिसको ढूंढने के लिए वो लोग एक गांव में पहुंच गए हैं। लेकिन तभी उनके ग्रुप में से एक सोल्जर बगावत करता है और उनको धोखा देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिलना है और ये टुकड़ी उस धोखेबाज सोल्जर को मार डालना चाहते हैं। तभी उस सोल्जर की मदद करती है एक अनजान लड़की, उस सोल्जर की जान बचाती है। फिर कैसे ये दोनों मिलके जर्मन आर्मी की बैंड बजाते हैं, ये सब इस मूवी में देखने लायक चीजें हैं। और अंत में गोल्ड किसको मिलता है, ये सब मूवी को देख के जानो। सबसे पहले तो मूवी सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट की है, जिसमें से 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। स्टार्टिंग से ही आपको धड़ाधड़ एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं और मूवी बहुत ही अच्छे पेस से आगे बढ़ती है, जिससे देखने में बहुत मजा आता है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है मूवी की स्क्रिप्टिंग, या फिर कहें कि स्टोरी। जो चीजें लॉजिकल तरीके से होनी चाहिए वही होती है, चाहे फिर वो फाइट्स के दौरान ही क्यों ना हो। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो हीरो है, ये मार नहीं खाएगा, लेकिन वो भी मार खाता है, जो कि काफी लॉजिकल है हमारे बॉलीवुड की तरह नहीं। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है फिल्म का स्क्रीन प्ले। भाई स्क्रीन प्ले ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले को बोरियत महसूस ना हो और हमेशा इन्वॉल्व रहे, चाहे फिर वो फिल्म हो या फिर सीरीज हो, कितनी भी लंबी क्यों ना हो। मुझे सच में ऐसा लगा कि मैं 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुआ। तो मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया है। अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की, तो नेगेटिव पॉइंट मूवी में वैसे कुछ भी नहीं है। बस एक चीज जो मुझे इलॉजिकल लगी वो थी स्टोरी के कुछ लूपहोल्स, जिसमें उसी के गांव के कुछ लोग होते हैं जिनको गोल्ड के बारे में पता होता है, उसके बारे में कुछ पास्ट हिस्ट्री भी दिखाई है, तो वो जो पास्ट की हिस्ट्री है वो थोड़ी मुझे इलॉजिकल लगी स्टोरी में। बाकी मुझे मूवी में कोई भी चीज नेगेटिव नहीं दिखी। ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो एक बहुत ही बढ़िया मूवी नेटफ्लिक्स पर आई है जो वर्थ टू वॉच है, जिसमें सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, जिसमें स्टोरी, एक्टिंग, म्यूजिक, स्क्रीन प्ले, एक्शन सब कुछ बढ़िया है। और एक्शन की तो भाई क्या बात करें, बहुत ही बढ़िया है, बात ही मत पूछो। मतलब एक्शन सीन्स इस फिल्म की जान है, जो एक लेवल ऊपर के हैं, चाहे वो हैंड टू हैंड बैटल हो या फिर गोलियों की बौछार हो, लेडी इन एक्शन हो, सब कुछ इतना बढ़िया एक्शन सीन्स है भाई, क्या बताऊं, बस इसको देख लो। मेरी तरफ से ये मूवी हाईली रिकमेंड है, एक बार आपका टाइम डिजर्व जरूर करती है और आपको भी ये मूवी जरूर पसंद आएगी, ये मेरा वादा है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू मूवी ब्लड एंड गोल्ड का। अगर आपने मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ठोक देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।